स्कूल डे एपिसोड 4। सो इसके स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि कोकोरो कार्सुआ के रूम में आती है एंड इससे कहती है ओनीचान मेरी होमवर्क में मेरी हेल्प करो, जिस पर कार्सुआ कहती है रूम में आने से पहले तुम्हें नॉक करना चाहिए। देन कोकोरो कार्सुआ के पास आती है और जब वो इसकी एक बुक उठाकर देखती है तो कहती है ये बुक मेरी समझ में नहीं आ रही, जिस पर कार्सुआ जवाब देती है यस क्योंकि ये रोमांस नॉवल है, तुम अभी इन चीजों के लिए बहुत छोटी हो। कार्सुआ के इस रिप्लाई पर कोकोरो मुंह फुला लेती है एंड देन इससे पूछती है ओनीचान क्या तुमने अभी तक ईटा को किस कर लिया, जिस पर कार्सुआ कहती है मैंने किस किया या नहीं किया इसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। कोकोरो कहती है अगर तुम कह रही हो कि तुमने नहीं किया सो इसका मतलब ये है कि तुमने किस कर लिया है। देन कार्सुआ कहती है तुम जस्ट चुप रहो। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईटा एंड सिकाई अकेले स्कूल रूफ पर खड़े होते हैं। ईटा सिकाई से कहता है मैंने सोचा था कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मैं काफी एंजॉय किया करूंगा बट मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, जिस पर सिकाई से कहती है अभी और भी चीजें हैं फन करने के लिए। ईटा सिकाई को रिप्लाई देने के बजाय दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है, जिस पर सिकाई कहती है अरे अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। इसके बाद दिखाया जाता है कि सिकाई अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है एंड वो बार बार ऊपर रूफ की तरफ देख रही होती है, जिस पर सिकाई से प्रेसिडेंट पूछती है सिकाई क्या हुआ। देन सिकाई इसको रिप्लाई देती है अरे कुछ नहीं। मीनवाइल ऊपर रूफ पर ईटा एंड कार्सुआ एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं एंड इसी बीच ईटा कार्सुआ को टच भी करने लग जाता है, जिस पर कार्सुआ पीछे की तरफ चली जाती है एंड कहती है आई एम सो सॉरी, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी मैं ये सब नहीं कर सकती। ईटा कहता है क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम अपना बेस्ट कर रही हो, जिस पर कार्सुआ कहती है हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ पर अभी मैं मेंटली तौर पर रेडी नहीं हूँ। एंड देन वो ईटा से एक्सक्यूज करती है कि मैंने अभी जाकर कुछ करना है तो मैं अभी जा रही हूँ और वो ईटा को अकेला छोड़कर इधर से चली जाती है। सो गाइस क्या अब समझे आखिर ईटा क्यों कह रहा था कि मैंने सोचा था कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड हुई तो मैं काफी फन करूंगा, क्योंकि उस टाइम ईटा फन मींस हंटाई की बात कर रहा होता है। इसके बाद नाइट टाइम कार्सुआ सिकाई को कॉल करती है, सिकाई कहती है क्या हुआ, जिस पर कार्सुआ ईटा का नाम लेती है। ईटा का नाम सुनकर सिकाई कहती है क्या हुआ, क्या इस बार भी ईटा ने कुछ गलत किया। देन कार्सुआ इसको बताते हैं कि आज उसने मेरी चेस्ट पर टच किया। सिकाई कहती है ओके मैं कल उसको साफ साफ कह दूंगी कि वो सब चीजें मत किया करो जो कार्सुआ लाइक नहीं किया करती, जिस पर कार्सुआ कहती है नहीं ऐसा नहीं है मैंने उस बात का बुरा नहीं मनाया, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस टाइम रेडी नहीं थी, मुझे तो लगता है कि मैं उसके साथ बहुत बुरा कर रही हूँ। सिकाई ये बात सुनकर कहती है नहीं तुम बुरा नहीं कर रही, वो परवर्ट ही कुछ ज्यादा ही आगे चल रहा है। देन कार्सुआ कहती है हाँ पर वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स का रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं दे पा रही। सिकाई कहती है नहीं नहीं तुम कुछ ज्यादा ही उसके बारे में कंसीडर कर रही हो। एंड देन इस तरह ये दोनों और भी काफी सारी बातें करती हैं। मीनवाइल घर पर ईटा सोच रहा होता है कि वो सच में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थे। कार्सुआ कॉल पर बात करने के बाद कहती है इतनी सारी बातें करके तो मुझे अब प्यास लगने लग गई है। देन कार्सुआ को टेबल पर दो टिकट्स मिलती हैं एंड इसके पूछने पर इसकी मॉम इसको बताती है कि ये तुम्हारे फादर को कंपनी की तरफ से मिली थी बट फॉर सम रीजन वो इनका यूज नहीं कर पाए। कार्सुआ कहती है क्या मॉम मैं इनको रख सकती हूँ, प्लस इसकी मॉम भी हाँ कर देती है एंड इससे कहती है चाहो तो तुम अपने साथ अपनी किसी फ्रेंड को लेकर जा सकती हो। नेक्स्ट डे जब ट्रेन पर मौजूद कार्सुआ ईटा को उन टिकट्स के बारे में बताने वाली होती है तभी सडनली ब्रेक लगने की वजह से एक्सीडेंटली ईटा एक बार फिर कार्सुआ को टच कर लेता है एंड इसीलिए इन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मूवमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से कार्सुआ ईटा को उन टिकट्स के बारे में बता नहीं पाती। वैसे इस बार इनको वही सेम लड़की देख लेती है, वो सीधा स्काई को आकर बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड उस फोर क्लास की गर्ल्स के साथ हंटाई थिंग्स कर रहा था, तुमको अभी उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर सिकाई सीधा ईटा के पास आ जाती है एंड इससे कहती है अगर तुम्हारे पास कुछ बताने को है तो मैं सुन लूंगी, जिस पर ईटा इसको बताता है कि मैंने जस्ट उसका हाथ पकड़ा एंड उसको किस किया एंड उससे आगे सब कुछ नेचुरली हो गया। सिकाई ये सुनकर इससे कहती है क्या ईटा तुम कार्सुआ के साथ हंटाई थिंग्स करना चाहती हो। ईटा भी आगे से बेशर्मी से कहता है यस आई डू। सिकाई कहती है तुमको रूफ पर उसे टच नहीं करना चाहिए था, मे बी तुम्हें किसी क्वाइट प्लेस पर जाकर ये सब हंटाई थिंग्स ट्राई करनी चाहिए और हो सके तो कार्सुआ को घर ले जाओ। ईटा कहता है हाँ पर उधर कार्सुआ की लिटिल सिस्टर होगी। सिकाई कहती है देन इसे अपने घर ले जाओ। ईटा कहता है
वो भी सेफ नहीं है। देन शिकाई कहती है, हाँ पर किसी को पूल में उसकी चेस्ट पर टच करोगे तो सामने वाला सरप्राइज तो होगा। ईटा ये सुनकर कहता है, अरे तुमको ये कैसे पता चला? जिस पर शिकाई कहती है, कभी भी शिकाई इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को हल्के में मत लेना। एंड इधर ही वो शिकाई कहती है, आज से मैं तुमको स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी गाइस, यू नो उन्हीं हंटाई स्टफ के रिलेटिव। एंड देन कहती है, अब से सब कुछ इस शिकाई पर छोड़ दो। इसके बाद ड्यूरिंग क्लास ईटा शिकाई से उस स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर शिकाई कहती है गर्ल्स फीलिंग्स। देन क्लास ओवर होने के बाद शिकाई ईटा को एक पार्क में लेकर आ जाती है। देन एक क्वाइट प्लेस पर बैठकर इससे कहती है, तुम कार्सवा के साथ हंटाई थिंग्स करना चाहते हो तो ये सिचुएशन काफी रहेगी, क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि उसको किस तरह की सिचुएशन चाहिए हंटाई थिंग्स करने के लिए। ईटा ये सुनकर इससे कहता है, अरे क्या सच में तुमने उससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा था? इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग जब स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी इन दोनों को पार्क में खेलने वाले बच्चे देख लेते हैं। एंड देन इसीलिए वो नेक्स्ट कैरियोकी बॉक्स में जाते हैं, पर अब उधर भी सीसीटीवी कैमरा होता है। सो इनका पार्क एंड कैरियोकी बॉक्स वाला प्लान, दोनों ही प्लान्स फेल हो जाते हैं। अब जब इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये दोनों कहाँ जाए, देन ये दोनों वापस उसी रूट पर आ जाते हैं। इधर उसी डेस्क पर बैठकर ये दोनों अपनी ट्रेनिंग को दोबारा स्टार्ट करते हैं। स्काई इससे कहती है, मेरे कान में आकर मुझे आई लव यू कहो, जिस पर ईटा इसके कान में आकर इसको आई लव यू स्काई कहता है। देन स्काई कहती है, मैं कार्सरा की जगह एक्टिंग कर रही हूँ तो तुमको चाहिए कि तुम मुझे आई लव यू कार्सरा कहो। जिस पर ईटा कहता है, जब तुम मेरे सामने हो तो मैं कार्सरा को इमेजिन नहीं कर सकता। स्काई कहती है, चलो छोड़ो और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, तुम चाहो तो तुम मुझे अब टच कर सकती हो। ईटा पहले तो इसे टच नहीं करता, जिस पर शिकाई कहती है, आई एम सो सॉरी अगर ये कार्सरा के जितने बड़े नहीं है। देन ईटा कहता है, नो ऐसी बात नहीं है। एंड देन वो शिकाई को टच करने लग जाता है। कुछ देर तक ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब ये दोनों सीरियस हो जाती हैं। और इससे पहले कि ये दोनों सारी लिमिट्स क्रॉस कर लेते, इधर ईटा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन बजता है जो कि कार्सरा की तरफ से सेंड हुआ होता है। इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग को इधर ही एंड करते हैं और वापस घर की तरफ वॉक कर रहे होते हैं। जिस रोड पर इन दोनों ने सेपरेट होना होता है, उधर ईटा स्काई से पूछता है कि हम अपनी ट्रेनिंग को दोबारा कब कंटिन्यू करेंगे। जिस पर शिकाई कहती है, नो 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 अब कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगी, अब आगे जो कुछ भी करना होगा वो तुम सीधा कार्सरा के साथ ही करोगे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 4 भी एंड हो जाता है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नंबर 5 में, जिसका नाम होने वाला है रिपिल। और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर कर लेना।